सुबह में यूसुफ के लिए ये अपे दी थी, पड बोलते हैं, ये चटनी है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं मेरा शेक बना लेती हूँ। आज के शेक में पपीता डालूंगी और मैं रात में और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये शेक ही पी रही हूँ। मतलब पी क्या रही हूँ, ठूस ठूस के पी रही हूँ, मतलब मुझे भूख ना लगे बोलकर। और दोपहर में जो भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, वो अच्छे से सुकून से पेट भर के खा रही हूँ। बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कलर तो देखिए कितना प्यारा है, खाकर बोलती हूँ मीठा है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा मीठा है। ऐसा मीठा पपीता रहे और पादरी साहब ना रहे तो थोड़ा सा मन को ये होता है, उनको पपीता बहुत पसंद है और ऐसा मीठा हो तो ये सारा ही ख़त्म कर देंगे। पिछली बार जब मैंने ऐसा वेट लॉस किया था तो 3 महीने में 12 से 13 किलो वज़न कम हो गया था। इस बार भी सोच रही हूँ ऐसा ही हो। 1/4 कप भुना हुआ ओट्स, थोड़े से किशमिश, मनु के 2 काजू, 2 बादाम, 2 अखरोट और पीने वाली कंसिस्टेंसी होने के लिए पानी भी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है और मैं इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने आप से वादा करी हूँ। और पिछले महीने मैंने चाय छोड़ने का वादा करी थी, बिल्कुल छोड़ी हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रात में भी यही पी रही हूँ, दिन में भी मॉर्निंग नाश्ते में भी यही पी रही हूँ और दोपहर का खाना खा रही हूँ। और इसमें है ना, मैं फ्रूट कोई भी डाल देती हूँ, केला डाल देती हूँ, पपाया डाल देती हूँ, एप्पल डाल देती हूँ, पर ये इतना हेवी करके पी रही हूँ। इतना हेवी पीने के बाद है ना, दिमाग में हलचल नहीं मचती है खाना खाने के लिए। कितना भी अच्छा बनाओ, थोड़ा मुँह में डालूँ क्या, ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं ये शेक ख़त्म करके मिलती हूँ आपसे। चलिए, काफ़ी दिन से मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन शेयर नहीं की हूँ। परसों थोड़ा सा वीडियो 9 मिनट का बन गया था तो तब कमेंट आया, वीडियो छोटा क्यों बनाए बोलकर। एक्चुअली मैं पूरा मेरा डेली रूटीन शेयर करती हूँ ना। चलिए, ये पलंग को है ना, मैं इतना स्टोर रूम की तरह यूज़ करना चाह रही थी। यहाँ यूसुफ पढ़ने बैठता है, यहाँ उसकी पढ़ाई मैं लेती हूँ। ये कुछ चीज़ें होती हैं ना, इनको कभी भी लगते हैं और कभी भी रखना पड़ता है, तो मैंने ऐसा रखा था। पर यूसुफ का कहना है, अम्मी मुझे ये बेड होने का, उसकी बीच बीच में पढ़ाई करते हुए पीठ दर्द करती है तो वो सो के पढ़ाई करेगा, तो इसलिए है ना। उधर बेडरूम में आ गया ना तो वहाँ बाजू में टैब वगैरह होता है ना, फिर उसमें लग जाता है, आधा एक घंटा ख़राब हो जाता है। तो फिर ये मैं पहले जैसा उसके लिए कर दूँगी। हफ्ता भर सोच के रखे रहती हूँ, यहाँ काम है, वहाँ काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। जब एक बार रिदम ले लेती हूँ ना तो सांस फूल गए उतना काम करती हूँ। यही मेरी बहुत बुरी आदत है और जब तक मन के उतना साफ नहीं होता तब तक करते रहती हूँ। और ये सब्ज़ी वाला भैया भी आ गया था। ये देखिए, ये सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये पेपर्स मैंने ये बैग में डालने का सोचा है पर नहीं डाला है। यूसुफ को बताकर जो काम के है वो डालेगा, जो नहीं है वो रखेगा। वैसे पहले से ये बेटर लग रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा नीचे देखिए धूल कितनी जाएगी ना, धूल से बचने के लिए मैंने सब ऊपर ऐसा गदाड़ा भरा के रखी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। घर पूरा क्लीन करके और मैं भी खुद क्लीन होकर अभी आपसे मिल रही हूँ। पहले तो थोड़ा सा अल्लाह को याद कर लूँगी, मेरा डिसाइड टाइम होता है उतना जिक्र करने का, करके आ गई हूँ और आपको सलाम और आदाब कर रही हूँ। अभी कुछ दिनों से किचन में आपको हाय और सलाम आदाब करके आ रही हूँ, उसके बाद रूटीन चालू होता है। थोड़ी सी गलती हो रही है, मैं पहले कर लेना चाहिए मेरा रूटीन। एक्चुअली जैसे ही किचन में एंट्री करती हूँ ना तो अक्सर हम हुजूर को सलाम नहीं करते हैं ना, सलाम वगैरह भेजने के जहाँ महफिलें होती होंगी। मेरा रेगुलर जो है ना, मैं दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। सलाम दिन में जैसे 5 टाइम नमाज होती है तो उतना भी हुआ था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या करती हूँ, किचन में जैसे ही एंट्री करूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी बोलती हूँ, या तो अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह बोलती हूँ, उसके बाद दरूद शरीफ, उसके बाद इनातना और उसके बाद चालू रहता। इस बार यहाँ लिख के लगाई हूँ, देखिए। हाँ, यहाँ मेरे बोलने में जेर जबर ऊपर नीचे हो गया था इसलिए क्लिप को म्यूट किया है। ये मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, अब करी चैनल देखती हूँ, पता है होगा आपको, तो बहुत सारे आए इसके बारे में और इस पर पता चला मुझे ये हुजूर का वजीफा है बोलते।
अरे वाह, तो चलते फिरते सब तरफ लगा के रखी हूँ, यहाँ लगाई हूँ, बेडरूम में लगाई हूँ, दरवाजे पर लगाई हूँ, दरवाजे के बाहर जाने के लिए लगाई हूँ, तो अभी क्या बोलते हैं, मेरे ट्रेंड में ये चल रहा है। चलिए, क्या क्या सब्जियाँ लाई हूँ देखिए, टमाटर खूब सारे लाई हूँ, अभी आपको इधर से टमाटर की चटनियाँ वगैरह सब मिलने वाले हैं। ये फलियाँ लाई हूँ, हम खाने वाले दो लोग हैं और कितने सारे फलियाँ लाई हूँ देखिए, और ये दूसरी वाली भी फलियाँ लाई हूँ, औरे के बोलते हैं ना वो वाले, ये वाले देखिए, और फूलगोभी लाई हूँ आपको आने वाले वीडियोस में, एकदम ट्रेडिशनल वाला परफेक्ट वाला पराठा की रेसिपी भी मिलेगी, लेकिन आज तो मैं ये नहीं पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज में भिंडी रखे वाली है। चलिए अचारी भिंडी बनाते हैं। हाँ मीम ला यून सरून है, मैं वहाँ यून सुरून बोली थी इसलिए गलती हो गई, तो म्यूट करना ज़रूरी था इसलिए लिखकर भी लगाई। चलिए आज मैं है ना कुणाल कपूर की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ पहली बार। पात्री साहब नहीं है तो फिर मुझे कोई रेसिपी ट्राई करने में डर नहीं लगता है, नहीं तो रेसिपी ट्राई करो और उनके लिए भी अलग पकाओ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो नहीं रहते हैं तो फिर मैं पूरी रेसिपीज आराम से ट्राई करती हूँ। मुझे घी राइस बनाना है तो उसकी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। ये मेरा हमेशा का मसाला, जो टमाटर प्याज हरा धनिया ज़ीरा डालकर पीस ली हूँ, दो सब्जियों का एक साथ ही पीसी हूँ, भिंडी को मोटा मोटा कट करके तेल में भुनने के लिए छोड़ी हूँ, और सब्ज़ी क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा शिमला मिर्च गाजर मटर सब बाकी था घर में आधा आधा, मतलब जो रेसिपी में यूज़ करके रखी थी ना वो, और शिमला मिर्च बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है तो चलें उसका इधर उधर का कट करके उसी को यूज़ करके ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। बस बेसिक से मसाले डाले हैं, पानी के जगह दूध डाला है, और वो जो पीसा था वो मसाला डाला है, कसूरी मेथी डाली है, और आप चाहें तो इसमें दूध भी काजू पीस कर भी डाल सकते हैं। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं तो हमेशा गर्म पानी डालती हूँ। इसको पकने के लिए रखी, तब तक देखिए भिंडियों को अच्छा खासा चटका लग गया है, अचारी भिंडी बना रहे हैं, ये खट्टी खट्टी बनती है भिंडी, आप जो भी अचार खाते होंगे इस मसाले में एक चम्मच डालकर पीस लें और उसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लें। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी है मैंने, नमक कम डालेंगे क्योंकि अचार में ऑलरेडी नमक होता है। चलिए उसको भी भून भान के अच्छा पानी सूखने तक पकाएंगे। और इधर सब्जी दिखाई मैं आपको माशाल्लाह, और ये देखिए घी राइस बना रही हूँ और तेल हाथ में ली हूँ, बेबी शाही कुकर रखा है, एक कटोरी बना रही हूँ और मेरा हमेशा का है, और ये मेरा नहीं शायद जो लोग भी फ्रिज में मनु के काजू रखते होंगे ना उनका यही प्रॉब्लम होता होगा। मैं दोनों अलग अलग भून लेना था, थोड़ी काम की बचत की वजह से एक साथ करी तो फिर मनु के थोड़े से काले हो गए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं और यूसुफ ही खाने वाले हैं, अगर गेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद मैंने एक करण फूल बादियान का फूल जो होता है ना उसके दो फंकड़ियाँ डाल दी, दो लवंग, थोड़ी सी दालचीनी, एक इलायची डाल दी घी में, और चावल डाल दिए, अच्छे से भून लिए, काजू डाल दिया, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, एक हरी मिर्च डाली, चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दे दिया था, और उसके बाद हिसाब से पानी डाला, एक कटोरी चावल के लिए मैंने 2.25 कटोरी पानी डाला है क्योंकि मेरे चावल पुराने वाले हैं तो इसलिए मुझे पानी ज़्यादा लग रहा है, आपके नवे होंगे तो नए हों होंगे तो 1.5 कटोरी ही लगेंगे। संडे है, हाँ तो आज जा रहा हूँ पेपरा लाने। पेपरा लाने जा रहा है? हाँ बोला। हाँ वो पेपरा सीधे कर ले, देख वहाँ कैसा करे सो। पेपर हम पहले कपड़े निकाल के सीधे करेंगे। ठीक है। और सुबह में जो अपे बनाए थे उसकी रेसिपी तो डिटेल मैंने पहले वीडियोस में आपके साथ शेयर की हुई है, और इसका लुक देखिए, मेरा भी दिल करता है ना खाने के लिए, और मैं सिर्फ दोपहर को ही खा रही हूँ तो इसलिए है ना मैंने दोपहर के लिए मेरे लिए भी एक प्लेट बना लिए थे। और भिंडी दिखाई मैं आपको, थोड़ा सा तवे को जल गई थी जी इसलिए निकाल ली अलग प्लेट में। और ये हैं देखिए चावल, ये केरल की रेसिपी है, मुझे पता नहीं था ये इतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी,
करेंगी। काजू मनुके और नमक देकर मैं अभी तक ट्राई नहीं करी थी, ये मस्ट ट्राई करने वाली रेसिपी है, बिल्कुल ट्राई करें। ऐसे गुटुक 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 खाए जा रहा था, इतना अच्छा बना था ये चावल, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। दो तीन फुलके बना लिए, मेरा और यूसुफ का प्लेट है और ये दंगल मचा हुआ है। खाने में बहुत लेट हो गया है, खाना खाकर दंगल साफ़ करूँगी। ये है कुकर का रिज़ल्ट घी राइस का, तो इसका मतलब ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को तो बेहद पसंद आने वाला है। उसके बाद अल्लाह के दरबार में हाजिरी दे दी और थोड़ा सा तस्बीह कर रही हूँ। कॉफ़ी ये बैग में लाए हैं, हाँ। दिखा कैसा लाया, गैस काउंटर पर रख। ये बाहर घूम के आया है, गरम कॉफ़ी पैक लाया है, देखिए। और इसे हमेशा बहाना चाहिए होता है थोड़ा बहुत बाहर जाने का। गरम कॉफ़ी है, ओके। तो गुस्सा नहीं करना, बोलते ये पेन्ना का डब्बा उठा के लाया है। लगता है क्या तुझे, दिक्कत तो लगा, ले लिया। जाओ आप अगलू। 275 ओनली, ग्यारह बारह ये क्या है, देखना पड़ते है, ज्यादा वेस्ट भी नहीं है, ये एक वेस्ट है बस। ठीक है जा, तुझे अच्छा लगा ना, ठीक है, बस लेको आया। ठीक, माशाल्लाह से पैकिंग तो बहुत अच्छी है, प्राइस भी उतना ही होगा। मैंने पूछा नहीं उसे, चीनी डालना है बोलते डाल दी, पर ये अच्छा नहीं लग रहा था, गुलाब की स्मेल का था, गाय के गुलाब के बास की। पी वपी रेस्ट करने के चक्कर में हूँ, पर एक के बाद काम आ ही रहा है। ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था, 350 रुपये का है। अभी ठंडी के दिन चालू है ना, तो मैं उतनी देर चप्पल पहनकर नहीं रह पा रही हूँ, तो जब लगेगा तो पैर के नीचे रखूँगी और जब नहीं लगेगा तो पैर के नीचे से सरका दूँगी। प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया है, मतलब जो डिज़ाइन मंगवाया था वो है, पर इसकी एक खासियत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, देखिए सरक बिल्कुल नहीं रहा है। सरक नहीं रहा है इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल हमें तकलीफ़ नहीं देगा और बहुत जाड़ा नहीं है, जितना वीडियो में बताए हैं इतना है उतना है, देखिए बिल्कुल जाड़ा नहीं है। पर इसकी खासियत यह है कि देखिए फोल्ड भी नहीं हो रहा है, ये बहुत पसंद आया। बाकी सॉफ्ट है पैर रखने के बाद में, वैसे किचन में मेरे हिसाब से है ज़रूरी, लेना चाहिए। हालत बहुत ख़राब हो गई है, जब वेट लॉस करती हूँ ना तो हमेशा का है ये, रात में शेक पीकर सोई थी और सुबह ब्रेकफास्ट में भी शेक ही पी हूँ, और आज मेरा काम ज़्यादा हो गया, गाड़ी उठा फटक बहुत हो गया ना, और उसमें मेरी कुकिंग आधा घंटा लेट हो गई, तो आधा घंटा लेट खाई, तो आप पूछो मत, खाना खाने के बाद में ऐसे हो रहा था जैसे धोबी पचार उठा उठा के पटकते हैं ना, वैसे हो रहा था, हार्ट बीट ज़्यादा, धड़ 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 धड़, एकदम जैसा बहुत परेशान हो गई थी। सही, क्योंकि यूसुफ आया था, फिर वो तकलीफ ऊपर होने से पहले जोहर की नमाज पढ़ ली, अभी आधा पौना घंटा मैं रेस्ट करके आई हूँ। चलिए चाय पी लेते हैं, चाय तो नहीं बोलेंगे, एनर्जी ड्रिंक ही बोलेंगे, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने पहले से आपके साथ शेयर कर रखा है। चलिए ये पीती हूँ, उसके बाद आधा घंटा मैं कुछ भी अल्लाह की इबादत करूँगी, उसके बाद वापिस आकर अपने अड्डे पर काम को लगेंगे। चलिए एनर्जी ड्रिंक पीकर थोड़ा सा अल्लाह को याद कर लेती हूँ। आपको लगेगा ये कितना अल्लाह को याद करती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, पादरी साहब नहीं है, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ऐसी कोई बहुत नहीं है कि मैं अभी इसी वक्त यही काम करूँ, तो फिर मैं जितना सोचे रहती हूँ उतना पढ़ते रहती हूँ, और बच्चे और पादरी साहब आने के बाद है ना सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा होता है मेरे हाथ से, तो जब मुझे मौका मिलता है ना तो मैं पूरे काम छोड़ छाड़ कर अल्लाह को याद करती हूँ, क्योंकि जाने की तैयारी भी कर
करना चाहिए ना। गांव जाते हैं तो कितना अच्छे से पैकिंग करके लेके जाते हैं, तो फिर अल्लाह पास जाना है तो उसकी भी पैकिंग करना है ना मुझे। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं पैकिंग करने की बहुत कोशिश करती हूँ। चलिए, उसी बीच में फ्रिज में सामान रख दिया, घर झाड़ू मार लिया, यूसुफ को पपीता कट करके दिया, बर्तन धोने को ठहरी थी तो नमाज का ख्याल आया, फिर नमाज जाकर पढ़ के आई, वापस आके बर्तन धो रही हूँ और ये यूसुफ अपनी नमाज पढ़ रहा है। फिर उसके बाद मैं मगरिब और ईशा पढ़कर ही उठी थी। एक हफ्ते तक ये खुद पढ़ाई करेगा, कल से मुझे सुनाएगा, मतलब ये खुद पूरा तैयारी कर लेता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए और बाकी थ्योरी के लिए मुझे बिठाता है। क्यों बोले तो जब भी मम्मी पूछते ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बस पूछते क्या पूछे मम्मी जी उसमें था वो, मैं क्या करूं, उसके बाद के 7-8 क्वेश्चन वो नहीं पकड़ रहा तू। उसके बाद के 7-8 क्वेश्चन एक्चुअली में थे अच्छे, सर ये बोल रहा तो उसमें था ना चूहा कैसा मरिया बोल को, पर तू वो भी गलत दिया। फोटो से तो सीखा वो चूहा मरेगा तो मैं क्या मैं सफोकेशन की वजह से मरा ऐसा बोलूंगा? हाँ तो तू वो नहीं बोला ना सफोकेशन की वजह से, ऑक्सीजन सरने की वजह से गलत जवाब दिया था ना तू। तो वही तो बोल रहा था मैं, ये एक्सपेरिमेंट ये बंदा कर रहा था ऐसा ऐसा इस वजह से मर रहा था। लेकिन कुछ भी हो -5 हुए थे कि नहीं। अरे परसों तू कुछ मैसेज दे रहा था, देव मैसेज, वो कौन सा बोल रहा था ना कुछ, तो मैं 2 महीने जो करा वो मत करो कोई भी बोल के। मैंने जो 2 महीने छुट्टियां लिया था कोई भी पढ़ाई बस ऐसे बिना पढ़ाई किया ऐसे हॉस्टल में बैठ लेट के था मैं, तो वो मत कीजिएगा बिल्कुल भी। क्यों बाबा? बैकलॉग बहुत हो जाता है। तुझे फील हो रहा? हाँ, पर फिर भी स्टार्टिंग के 2 महीने थे तो मेरा बैकलॉग कवर हो चुका है ऐसा। बीच में मतलब जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह चल रहा हो तो तब बिल्कुल भी छुट्टी ना लीजिएगा। देखिए मेरे बच्चे को समझ आ गई जल्दी से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो रात को बिल्कुल नहीं खाती हूँ, एक निवाला भी टेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मैं एक निवाला टेस्ट कर लूँ तो फिर वो पेट में आग भड़क जाती है, ऐसा लगता है और कुछ खाऊँ और कुछ खाऊँ तो खाना ही पड़ता है। तो फिर मैं है ना इवन टेस्ट नहीं करती हूँ, कितना भी अच्छा रहे जब मैं इस तरह से अपने आप से वादा करती हूँ तो। क्योंकि मुझे वेट लॉस करना मतलब करना है, अभी ये 2 साल में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस बार जो होगा देखा जाएगा। 3-4 महीने मुँह बंद रखेंगे, जो खाना है दोपहर में ही खाएँगे, और ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। और सब्ज़ियाँ मेरे पास जो भी हैं सब ली हैं मैंने, इसमें शिमला मिर्च ज़रूरी है, और प्याज की जो लंबी लंबी डंडियाँ थी ना मैंने उसको लंबा लंबा कट कर लिया है नूडल्स की तरह, और ज़ीरा डाला, हरी मिर्च फ्राई कर ली। उसके बाद सारे सब्ज़ियाँ थोड़ा सा हाई फ्लेम पर करना है, तो फिर मैंने चूल्हा चेंज कर लिया और एकदम हाई फ्लेम पर सौटे कर लिया। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच बाजार वाला गरम मसाला और नमक डाल दिया हिसाब से। नूडल्स उबलते समय तेल और नमक भी डाला था, और नूडल्स को मैंने थाड़े उबाले हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत जाड़े हो जाते हैं जी, जाड़े होने के बाद यूसुफ को पसंद नहीं आते हैं, तो मैंने ध्यान रख के किया है ये काम और उसको बहुत पसंद आए हैं, और उसको नूडल्स पसंद हैं, और वो उम्मीद नहीं करा था कि अम्मी आज बनाएंगे बोलकर, उसे मैंने सरप्राइज़ दिया है। और ये देखिए फाइनल लुक, वैसे तो मैंने डिटेल में कई बार शेयर किया हुआ है, और आप लोग भी अपने हिसाब से कई चीज़ें अच्छी से बना लेते होंगे, बच्चों को जो है वो तो माएं पूछो ही मत, उतना अच्छा बनाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। गरम है ना? गरम की बात नहीं है, सारी लिप कटे हैं। कटे हैं? बहुत अच्छा है। उसको टिफिन में भी हो जाएगा और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार में बनाकर ख़त्म कर दिया पैकेट मैंने। चलिए मेरा शेक बनाते हैं। 1/4 चम्मच मतलब एक छोटी मुट्ठी से 2 मुट्ठी मैंने ओट्स लिए हैं भुने हुए, 1 केला डाला, 2 अखरोट, थोड़े से किशमिश और 2 काजू, 2 बादाम डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, पीने के लिए बैठ गई हूँ। और ये इसके नीचे मनु के खजूर बच जाते हैं ना, वैसे तो पीने
में फीका फीका रहता है, मतलब क्या बोलूँ, नमक नहीं, मिर्च नहीं, मीठा नहीं, लेकिन लास्ट में जो बाइट खजूर के और मनुके के आते हैं ना, पूरा मतलब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हमने कुछ खाए बाबा बोल के। और खाने के बाद ये जार उसी वक्त धोए, नहीं तो दूसरे दिन साफ़ नहीं होगा। सुबह से शाम तक का ये मेरा रूटीन कम्प्लीट हो गया। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।